वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं वो नीरम और आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गाजर की खीर आप सुपर डुपर घर में कैसे बना सकते हैं चैनल पे नए नहीं से चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलते रेसिपी की तरफ तो आज की रेसिपी के लिए मुझे तीन तकरीबन कैरेट चाहिए जिनको मैंने अच्छे से धो लिया अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे और इस तरह का ग्रेटर या कटर आपके पास हो तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस ब्लेड में आप इसको करना चाहें कर सकते हैं मैं इसका ब्लेड लूँगी जो सबसे बारीक वाला पार्ट है तो इस तरह मैं तमाम तीन में कैरेट को ग्रेट कर लूँगी ठीक है आज आप देख लें बहुत बारीक ग्रेट हो चुकी हुई इनको साइड पर रखते हैं चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ एक मैंने कप लिया रेगुलर टी कप चावलों का ठीक है इनको मैंने ओवर नाइट के लिए सोख कर दिया या चार से पाँच घंटे आप इसको पानी में सोख करके रख दें फिर पाँच घंटे के बाद पानी निकाला और हाथ से इसको मसल के एक चावल को तकरीबन दो से तीन हिस्सों में इसको मैं डिवाइड कर दूँगी ठीक है और ये आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है इसको साइड पे रखते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ एक पैन लिया पैन के अंदर मैं तीन लीटर मिल्क लूँगी फुल फैट मैं मिल्क ले रही हूँ आप अगर इसकी जगह ट्रैक्ट्रा पैक का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और इसे लिड से कवर कर दूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे मैं पका रही हूँ जैसे एक बॉयल आएगा लिड रिमूव कर देंगे और इसके अंदर मैं डालूँगी चावलों को मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए तो चावल डाले चावल डालने के साथ ही मैं इसमें कैरी डाल दूँगी जो हमने ग्रेट करके रखे हैं तकरीबन इसको मैंने 12 से 15 मिनट पका लिया 15 मिनट के बाद इसमें अब हम ऐड कर देंगे शुगर को शुगर में जो आपको कटोरी दिखाऊंगी ना आपने वो डाल लिया दो भर के नहीं तो आप जो टेबल स्पून होंगे तो इसमें हम टेबल स्पून डाल देंगे आठ भर के इसको मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको मैं पंद्रह मिनट और पकाऊँगी ठीक है तकरीबन अब इसको हम आधा घंटा और पकाएँगे ठीक है और अब इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका हुआ इसके अंदर मैं ड्राई नट्स डाल दूंगी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो डालना चाहे डाल सकते हैं इसको मज़ीद पकाएंगे दस से बारह मिनट और अब तकरीबन फोर्टी मिनट्स इसको हो गए पकते हुए अब इसमें मैं डालूंगी अब ग्रीन कार्डिमम का जो असेंस होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची तीन से चार डाल दें जब आपने चावल डाले स्टार्ट में तब उसको डालना है ठीक है इसको मजीद पकाएंगे अब इसको मैं तकरीबन और पंद्रह बीस मिनट पकाऊंगी अब खीर को पकते हुए तकरीबन पचास मिनट हो चुके हैं मीडियम टू तो हाई फ्लेम पर दस मिनट रहते उतारने में अब मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी आप कोई सी भी क्रीम डाल दें फ्रेश क्रीम डाल दें मैंने डेरी मिल्क क्रीम डाली है डाल के इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी दस मिनट दस मिनट में हमारी क्रीम खीर माशाल्लाह बन के रेडी है थोड़ा सा मैंने ठंडा किया आप इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसी मेथड के साथ बनाएं इसको मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो आप खीर मैंने डाल दी इसको मैं गार्निश करूँगी आमंड के साथ आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको गार्निश कर सकते हैं और ये मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ इसको लास्ट में बनाएं बनाने के बाद अपना फीडबैक दें आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगती है थम्सअप दें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें दो में याद रखें अपना बहुत ख्याल रखें आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़